নতুন সংসদ ভবনে জায়গা পেতে চলেছে ঐতিহাসিক সোনার রাজদণ্ড সেঙ্গল আগামী নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন সেই অনুষ্ঠানে লোকসভার স্পিকারের আসনের কাছে এই রাজদণ্ড বসাতে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনদের জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ব্রিটিশ রাজ থেকে মুক্তি এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে এই রাজদণ্ড দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সেই রাজদণ্ডই এবার জায়গা পাচ্ছে নতুন সংসদ ভবনে সেঙ্গল শব্দটি তামিল শব্দ সেম্মাই থেকে এসেছে এর অর্থ ন্যায় তবে সেঙ্গলের ইতিহাস অনেকেরই অজানা সিঙ্গল বর্তমানে এলাহাবাদের একটি জাদু ঘরে রয়েছে সেখান থেকে বার করে রবিবার এটিকে সংসদ ভবনে আনা হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার জানান সেঙ্গলের ইতিহাস এবং তাৎপর্য অনেকেরই অজানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে সেঙ্গল নতুন সংসদ ভবনে জায়গা পাবে বলে জানিয়েছেন শাহ ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে এ সেঙ্গলের সংযুক্তিকরণে বর্ণনাও করেন শাহ এক প্রকার नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है आजादी की क्षण के साथ 14 अगस्त उन्नीस की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और इस एंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहाँ की परंपराओं से चलेगी यहाँ की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी क्या को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है ये इसके पीछे भाव है ब्यूरो रिपोर्ट आर ई न्यूज